अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है पोलियो वैक्सीनेशन। जैसा कि आप जानते ही होंगे, दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए सिविल एसोसिएशन ने पोलियो वैक्सीन को ज़रूरी करार दे दिया है। यानी अब पूरी दुनिया में आप बग़ैर पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ट्रैवल कर ही नहीं सकते। जैसे पहले कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़रूरी था, ऐसे ही अब पोलियो की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पोलियो वैक्सीन लगवानी कहाँ से है, इसका सर्टिफिकेट कैसे निकलता है और इस सर्टिफिकेट की ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि वैक्सीन लगेगी कहाँ से। तो जनाब, ये आपके शहर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से लगेगी। ये हर जगह इजीली अवेलेबल है। हम क्योंकि मुल्तान से हैं तो मुल्तान में ये घंटा घर और कचहरी के दरमियान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है, रहमा सेंटर के बिल्कुल सामने, वहाँ से ये आप लगवा सकते हैं। जैसे ही आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो वो फ़ौरन अपने ऑनलाइन सिस्टम में इसका अंदराज कर देते हैं, इसलिए आप विद इन 5 मिनट्स इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम अब आपको बताते हैं कि इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाकर आपने सर्च करना है nims.nadra.government.pk। तो ये खुद ब खुद ही सामने सजेशन में आ भी जाता है। वैसे हम इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देंगे। तो इस पे जाने के बाद आप देखेंगे सामने आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन एंड दीगर वैक्सीनेशन। तो हमने क्योंकि पोलियो की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, इसलिए हम दीगर वैक्सीनेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दीगर वैक्सीनेशन में हम जब जाएंगे तो आगे वो हमसे हमारी डिटेल मांगेगा, जिसमें हमारा आईडी कार्ड नंबर और आईडी कार्ड की तारीख अजरा, यानी कि जिस तारीख को आईडी कार्ड हमारा इशू हुआ था या बना था, वो हम इसमें फीड करेंगे। और ख्याल कीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो आईडी कार्ड नंबर कंप्लीट एंटर करने के बाद। अब हम इसका शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा डालेंगे। ख्याल कीजिएगा तारीख इजरा जो आईडी कार्ड पे आपकी दी गई है वही डालिएगा, गलत होने की सूरत में वो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। वैक्सीन हमने यहाँ से मुंतखब करनी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो नीचे उसने हमसे मैथमेटिक्स का आसान सा क्वेश्चन पूछा होगा, ये चेक कर रहे होते हैं कि रोबोट है या कोई ह्यूमन है। तो हमने इसको बता दिया 8, और अब हम यहाँ पर इसकी तस्दीक कर देंगे। तस्दीक करते थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाएगा। अगले स्टेप में हमने इसमें एंटर करना है अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नेम, जो हमारे शनाख्ती कार्ड पे नेम दिया गया है एग्जैक्टली सेम वही हमने यहाँ पे लिखना है, ताकि सर्टिफिकेट पे भी वही आएगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है तो हमें यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लाजमा लिख देना चाहिए, ताकि सर्टिफिकेट के ऊपर हमारा पासपोर्ट नंबर भी आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे कौमियत का इंतखाब करेंगे। कौमियत ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तान है, तो हम इसमें पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, इसकी तस्दीक कर देंगे। अब देखें, ये हमारे पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और मोबी कैश से, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास मोबी कैश होता है, तो हमने मोबी कैश का सिलेक्शन किया है। मोबी कैश में जाने से पहले वो हमें यहाँ पे एक ट्रैकिंग नंबर देगा, इसको आप नोट कर लेंगे, कहीं पे लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको याद कर लेंगे लाजमन, क्योंकि हमने मोबी कैश से जब पेमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये नंबर होना ज़रूरी है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है जैज़ कैश से इसकी पेमेंट करना। तो जैज़ कैश में हम जाएंगे, वहाँ अपना लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा गवर्नमेंट पेमेंट्स। गवर्नमेंट पेमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला पॉइंट है, हमने यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी पोलियो के उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो कोविड वाली जगह से ही इसकी पेमेंट होगी। तो आपने परेशान नहीं होना, कोविड वाली जगह पे जाके वो जो ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे हमने नोट किया था वो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे हम वहाँ पे पुट करेंगे ये उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। ये अब उसको ये सर्च कर रहा है कि वो इनवाइस जो जनरेट हुई है वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है। जैसे इसको वहाँ से कन्फर्मेशन मिलती है ये फ़ौरन इसको डन कर देगा। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी पेमेंट हो गई। यहाँ से हम इसको कंफर्म करेंगे, उसने उठा ली कि पेमेंट सिर्फ 100 रुपये की थी। जैसे ही हमने 100 रुपये चेक करना है, उसके बाद इसको हमने कंफर्म कर देना है।
यहाँ पे हमने पिन देना है अपना जैज़ कैश का, जो कि आप लोग यूज़ करते हैं कि ट्रांजेक्शन के लिए। पिन देने के बाद जैसे ही इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमारी पेमेंट डन हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास प्रूव रह जाए। वैसे कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। अब दोबारा से अपने पीसी पे जाएंगे, जहाँ पे आपने यहाँ पे अदायगी की तस्दीक करनी है कि जी हमने इसकी पेमेंट डन कर दी है। जैसे ही आप अदायगी की तस्दीक करेंगे, वो आपको आपके एक दफ़ा से फिर से आईडी कार्ड नंबर, आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर आपको चेक करवाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे अंदराज करेंगे और ये आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, कार्ड साइज़ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। अगर आपने वो छोटा कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप इसका सर्टिफिकेट वाली जगह पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये नाज़रीन हमने मुकम्मल तरीका इसका इख्तियार किया और हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास इस तरह का सर्टिफिकेट आएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।